हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए सेमी हैचबैक बोल सकते हो, होंडा अमेज रहने वाली है ये। इसकी फुल डिटेल हमारे अमन भैया देंगे, आप अच्छी भली बातें जानते ही उनको। कैसे अमन भैया? मैं बढ़िया, आपके साथ। तो भैया काफ़ी अच्छी गाड़ी लग रही है, मतलब देखने में बड़ी बढ़िया लग रही है। अमेज की थोड़ी सी डिटेल दो, बेसिक डिटेल्स क्या है इसकी? भैया 2017 मॉडल है, ठीक है। EMT फर्स्ट ऑनर है, बेस मॉडल मतलब बेस मॉडल है बिल्कुल, ठीक है। और पेट्रोल या डीजल? पेट्रोल CNG ऑन पेपर है। पेट्रोल CNG तो ये बाहर से लगी हुई आती है CNG, इसमें ये BRC वो है, इसे कहते हैं CNG। BRC की CNG लगी हुई है, तो BRC की गाइस मतलब ब्रांडेड CNG होती है। BRC और लोवेटो काफ़ी रेनॉल्ड नेम है CNG के अंदर, तो फिर CNG में भी मेरे हिसाब से इसका परफॉर्मेंस तो बढ़िया ही होगा। इतनी सिक्वेंशियल किट लगी हुई है, सिक्वेंशियल किट बोली जाती है। लगभग क्या कितने की लगती होगी सिक्वेंशियल किट बाहर से? बाहर से सिक्वेंशियल किट अराउंड 30-35 हज़ार के अराउंड। 30-35 हज़ार मतलब ये एक्स्ट्रा खर्चा ही है फिर तो? ये अलग से खर्चा ही होता है, अलग से खर्चा होता है। लेकिन आप मतलब इस रेट में तो इंक्लूड नहीं कर रहे इसको? इस रेट में इंक्लूड नहीं है, मतलब अगर कोई पेट्रोल गाड़ी होती तब भी ऑलमोस्ट यही रेट होता। पेट्रोल का होता तो थोड़ा और ज्यादा हो जाता, मतलब पेट्रोल के थोड़े इंजन अच्छे माने जाते हैं ना, अच्छा माना जाता है। CNG में तो थोड़ा वैसे रेट होता है। भैया क्या माइलेज क्या आती होगी इसकी, पेट्रोल और CNG दोनों में बताओ मेरे को। पेट्रोल में तो भैया ये लोकल आपको दे देगी 15 के अराउंड। अच्छा, हाँ जी। सिटी में लोकल में तो 18-19 भी दे देगी। अच्छा, नहीं हाईवे पे आपको 18-19 की देगी, 18-19 दे देगी। और CNG में कितनी चल जाती होगी फुल टैंक? CNG में भैया मान के चलो आप फुल करा लोगे एक बार CNG तो 200-250 किलोमीटर खींच देगी। 200-250? हाँ जी। तो ये तो बाइक के खर्चे पे निकल चल जाएगी, 150-200 किलोमीटर आराम से CNG पे खींच जाती है। मतलब गाड़ी के मजे बाइक के रेट में अगर लेने हो तो होंडा अमेज ये वाली आप कंसिडर कर सकते हो। 200-250 और फुल कितने की होती है? 350-400 रुपए की होती है। 350-400 रुपए ना। 8 kg का सिलेंडर लगा हुआ है, 8 kg का सिलेंडर, तो फिर 2 रुपए के आसपास पड़ जाता होगा। 2 रुपए पर किलोमीटर से ज्यादा तो पड़ेगा नहीं, नहीं सर। तो बाइक का जो खर्चा हो जाता है ना आजकल, वो आप गाड़ी में कर सकते हो। आप जैसे कि देख सकते हो थोड़ा बारिश का मौसम हो रखा है, तो बारिश धूप धूल मिट्टी सबसे ये आपको बचाएगी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और फिर फोर व्हीलर की तो रेपुटेशन भी थोड़ी अलग होती है, कहीं भी लेके जाओ तो थोड़ा सा अलग स्टैंडर्ड अफेक्ट पड़ता ही है। तो भैया लगभग कितनी चल गई है ये? ये 40 चली गई है। तो 40,000 चली हुई है 2017 मॉडल। तो 3 साल में CNG के हिसाब से 40,000 तो कुछ खास सही ज़्यादा नहीं चली? हाँ ज़्यादा नहीं चली, नॉर्मल चली है। मतलब CNG वाली। अरे सर ये क्या होता है ना कि CNG बहुत लोग बोलते हैं खींचते हैं इंजन बेकार हो जाता है, तो फिर ऐसा कुछ इशू है इसके साथ? अमन भैया मेन बात होती है चलाने पे डिपेंड करता है। अच्छा, तुम कैसे चला रहे हो, रफ चला रहे हो, केयर पे चला रहे हो, कैसे चला रहे हो? अगर तुम रफ चलाओगे, कोई सर्विस नहीं कराओगे, कोई ध्यान नहीं दोगे, तो इंजन तो बोलेगा। अच्छा, तो ये इसकी कम CNG पे भी और पेट्रोल पे भी, मैं दोनों के लिए ये बोलूंगा आपकी, आप केयर नहीं करोगे तो इंजन तो बोलेगा। चाहे टाइम टू टाइम सर्विस कराओगे, आप मेंटेनेंस ठीक रखोगे तो फिर बढ़िया चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आती। मतलब ऐसा ये मिथ ही है कि एक CNG लग गई तो बेकार हो गया, 4-4 लाख चल जाता है इंजन। मैंने खुद देखा हुआ है, मैंने वीडियोस डाली हुई हैं सेंट्रो की, ज़ेन की, मैंने देखा हुआ है 2-2 लाख चलती हैं। ये तो अमेज है, वो भी अमेज है बड़ा, इसमें 1.2 लीटर का इंजन आता है, तो इंजन भी अच्छा बड़ा ही है, छोटा इंजन नहीं है। 1 लीटर के इंजन देखे हैं मैंने, 2-2 लाख चल जाते हैं। केयर पे डिपेंड करता है बंदा कैसे केयर कर रहा है, आप 4-5 लाख चल जाती है गाड़ियाँ। तो सर्विस कितने टाइम पे होती है, क्या इंटरवल रहता है? 10,000 किलोमीटर का आप सर्विस करा सकते हो। 10,000 किलोमीटर पे वैसे नॉर्मली पेट्रोल और डीजल दोनों ही 10,000 किलोमीटर पे आप लोगों को करा देनी चाहिए। कुछ गाड़ियों की होती है 15,000 का इंटरवल होता है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर CNG लगी हुई है गाड़ी में और गाड़ी थोड़ी सी पुरानी हो रही है तो 7-8 हज़ार में करा दो, तो इतना मतलब 1-2 हज़ार रुपये में इतना फर्क नहीं पड़ता। सर्विस बाहर से का हो कितने की हो जाती है इसकी? सर्विस बाहर से आप 3,000 के आसपास मान के चलो, 3,500 का खर्चा, 3,500 का मतलब बेसिक सर्विस, बेसिक सर्विस। और अगर कंपनी से कराने जाए तो सर्विस कराओगे तो 5,000 के आसपास मान के चलो। अच्छा, और कंपनी से करवाने जाए तो? कंपनी से जाओगे तो भैया वो तो 10-15 हज़ार का बिल बना ही देंगे। इसका कुछ वो है कंपनी का सर्विस रिकॉर्ड वगैरह है क्या इसका? अवेलेबल सर्विस रिकॉर्ड नहीं मिलेगा इसका। तो सर्विस रिकॉर्ड मतलब बाहर सर्विस हुई है ये? बाहर सर्विस हुई है। वैसे कस्टमर को अगर चेक करवानी हो तो आप कंपनी में जाके रिकॉर्ड चेक करवा सकते हो। अच्छा, और ये पेंट वगैरह का क्या इसका सिनेरियो है? भैया पेंट मैं आपको बता दूं, इसका बम्पर और ये गोलाई पेंट है, फेंडर, हाँ जी फेंडर पेंट है, पेंट हो रखा है जी जी। और बाकी कोई पार्ट? बाकी कोई पार्ट पेंट नहीं है, दोनों आगे पीछे के बम्पर और ये फेंडर पेंट हो रखे है। अच्छा, फिर तो कोई ज्यादा पार्ट पेंट नहीं है, बम्पर तो फिर माने ही नहीं जाते, और सिर्फ फेंडर, फेंडर में क्या कुछ ज्यादा वो बच्चों ने स्क्रैच मार दिए थे बस, तो उस चक्कर में फिर वो अजीब लग रहा था। अच्छा, तो मैंने फिर पेंट ही करवा दिया। तो भैया CNG इसमें लगी हुई है तो लोगों की एक उसके लिए मतलब
माइंड वही होता है ना कि थोड़ा एक मित्व रहता है कि भाई इंजन ठीक नहीं होता, इंजन की कुछ मतलब वारंटी, इंजन की हमारी 3 महीने की वारंटी होती है। अच्छा, तो हर वीडियो में आप बताते ही हो जी 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 3 महीने की वारंटी इसकी भी आपको विश्वास है ना इसके इंजन पे, कोई ऐसा इश्यू तो नहीं है भैया? हम ऐसी गाड़ी रखते ही नहीं है जिन पे हमको विश्वास ही ना हो। अच्छा, जो गाड़ी हमारे पास होती है वो विश्वास वाली गाड़ी होती है। अच्छा, तो इंजन का कोई काम पहले इसमें कुछ नहीं, आज तक नहीं, हेड वगैरह कुछ नहीं, एक पेच एक बोल्ट नहीं लगा आज तक, कंपनी का वही है, सब कुछ वही है जी जी जी। अच्छा, और फेंडर के अलावा और कुछ पेंट नहीं है ना? पेंट नहीं है, मतलब अगर चेक करवाना चाहे तो? जी, मैं तो कहता हूँ चेक कराना चाहो आप चेक करा सकते हो, कंपनी में भी चले जाओ, किसी कोई आपके सर्कल में नॉलेज तो उनको भी चेक करा सकते हो। फिर एक्सीडेंटल का क्या है इसका? एक्सीडेंट का तो काम नहीं करता मन भी, आपको पता ही है, कोई भी डोर कोई भी बोनट कोई नहीं, कोई कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, ऐसी भी एक्सीडेंट नहीं है, जो पेंट है मैंने आपको बता दिया। 3 साल पुरानी गाड़ी है, वैसे पेंट की भी इतनी जरूरत है नहीं, और मतलब कि मतलब ठीक ही रहता है, 3 साल में क्या बिगड़ता है गाड़ी का? भैया दिल्ली शहर में आपको पता आगे पीछे करने में हाँ कहीं लग भी जाती है, बम्पर ही लगते हैं सबसे पहले। हाँ बम्पर तो चलो मान ही नहीं जाते, वो बॉडी में आते नहीं, बॉडी का एक पार्ट पेंट है फिर तो कोई इशू नहीं है 3 साल पुरानी गाड़ी में। तो भैया और कुछ इसके अंदर एक्सेसरीज लोड हुई है क्या बाहर से? नहीं भैया एक्सेसरीज कुछ भी लोड नहीं हुई, खाली सिस्टम लगवा रखा है। अच्छा, सिस्टम मैं चाहूंगा एक बार दिखा दो, टच सिस्टम मेरे को दिख रहा है इसके अंदर, और कैमरा भी लगा हुआ है बाहर, कैमरा लगा रखा है, तो मतलब अगर बैक गियर वगैरह लगाओगे तो पीछे दिख जाएगा, ये भी तो एक्स्ट्रा उसमें ही दिखेगा, वो उसमें दिखेगा ना जी जी, ये भी तो एक्स्ट्रा ही होगा, कंपनी से तो आता नहीं होगा? नहीं कंपनी से नहीं आता, कंपनी से नहीं आता ना, कंपनी से नहीं आता ये, बाहर एक्सेसरीज तो बाहर से लगती है। ये व्हील कैप वगैरह लगे हुए काफी अच्छे लग रहे हैं, अलॉयज जैसे लग रहे हैं देखने में। भैया टायर का क्या स्टेटस है अभी? टायर इसके कंपनी के साथ ही है, 50% अभी है इसमें। अच्छा, 50% मिल जाएंगे, 50% टायर, मतलब कितने किलोमीटर चल जाएंगे लगभग? किलोमीटर ये अभी भैया चल जाएंगे आपके कम से कम 15 से 20 हज़ार के आसपास, 15-20 हज़ार चल जाएंगे, चल जाएंगे आराम से। अच्छा, तो भैया एक बार मैं चाहूंगा कि आप बोनट ओपन कर दो। हाँ जी कर दो, बोनट खोल कर दिखाते हैं, क्योंकि हम सिंगल जो वीडियोज हम लोग बना रहे हैं गाड़ियों की, उसमें हमारा यही हम सोच रहे हैं कि आपको पूरी गाड़ी, ऑलमोस्ट पूरी तो हम नहीं चेक करवा पाएंगे, इन डेप्थ हम लोग एनालिसिस नहीं कर सकते गाड़ी का, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को वीडियो में ही समझ में आ जाएगी गाड़ी में क्या कमी है क्या ठीक है, ताकि आप वीडियो में ही थोड़ा सा अपना मन बना सको कि आपको गाड़ी लेनी है कि लेनी। भैया एक क्वेश्चन है मेरा, ये भैया रस्टिंग क्यों है यहाँ पे? ये भैया रस्टिंग खारे पानी के चक्कर में रस्टिंग होगी। अच्छा, मतलब खारे पानी से रस्टिंग हो जाती है, तो मतलब इसके अंदर खारा पानी लग लग के, खारा पानी से गाड़ी साफ वाफ होती होगी तो ये रस्टिंग आ गई है। अच्छा, मतलब ऐसा कोई इशू तो नहीं है ना इसके साथ? कुछ नहीं है, चेसी वगैरह पट्टी बिल्कुल जेन्युइन है कंपनी की, ठीक है, ये क्या कहते हैं बस ये रस्टिंग है, खारे पानी के चक्कर में रस्टिंग है। अच्छा, मतलब कोई डरने वाली बात नहीं है? नहीं डरने वाली कोई बात नहीं। तो 4 सिलेंडर आपका आईवेटेक ये इंजन रहने वाला है, पावर वगैरह तो आप सर्च कर सकते हो कि कितनी कितनी है देता होगा। वैसे भैया भागने में कैसी होगी मतलब गाड़ी? भैया भागने में तो आपको चला के देखो एक बार पता चल जाएगा, तो एक बार इसको चला कर देखेंगे, एक बार अपना भी रिव्यू शेयर करेंगे कि कैसे लग रहा है। वैसे तो इंजन बे मेरे को ऑलमोस्ट क्लीन ही लग रहा है, ये रस्ट का थोड़ा सा मेरे को लगा, भैया ने आपको रीज़न बता ही दिया, बाकी चेसी वगैरह तो इसकी क्लीन लग रही है, और CNG कंप्लायंस प्लेट यहाँ लगी हुई है। तो भैया ये जो इसकी CNG की टेस्टिंग वगैरह रहती है, CNG कंप्लायंस प्लेट वैलिड है अभी? अभी वैलिड है। अच्छा, मतलब टेस्टिंग वेस्टिंग सब कुछ हो रखी है ना इसकी? हाँ, टेस्टिंग वेस्टिंग सब हो रखी है। अच्छा, अभी वैलिड है, वैलिड है। तो एक बार उधर से आते हैं, रबड़ एक बार उतार के चेक करा सकते हैं ना? रबड़ उतार के चेक करा दें। हाँ, पिलर विलर चेक करा हुआ। क्रोम बडिंग वगैरह ये भी सारी बाहर से ही लगी होंगी? ऐसे सभी बाहर की है, थोड़ी बाहर की है। चारों इसमें पावर विंडो आपको मिल जाता है, सिस्टम आपने देख ही लिया, टच सिस्टम है इसके अंदर, आप मैं उसको गियर लगा के भी दिखा दूंगा, और स्पीकर इसके अंदर आपको सारे मिल जाते हैं। तो जब भी आप आओ, अगर आपको एक्सीडेंटल चेक करना है, आप रबड़ उतार के चेक कर सकते हो, ये जो कंपनी के टांके होते हैं ये सारे आप चेक कर सकते हो। ऐसे आप चारों डोर्स पे चेक कर सकते हो और बूट में भी चेक कर सकते हो इसका। भैया एक बार बूट खोल के चेक करवा दो, उसका सिलेंडर चेक करवाते हैं कि कितना स्पेस मिलता है, आप देख लो। मतलब फुल साइज सेडान इसको तो नहीं बोलेंगे, बट यस सेडान ही मान सकते हैं इसके अंदर। तो मतलब आप देख लो कितना स्पेस आपको इसके अंदर मिल रहा है। एक हैचबैक जितना जो छोटी गाड़ी होती है नॉर्मली, जो उसमें जितना स्पेस होता है, ये सिलेंडर रखने के बाद उतना स्पेस इसके अंदर आपको मिल जाएगा। और यहाँ से आप अपनी स्टेपनी जो है वो एक्सेस कर सकते हो। स्टेपनी तो बिल्कुल नहीं लग रही है भैया, स्टेपनी अनयूज स्टेपनी इसके अंदर आपको मिलने वाली है। और जब भी आप आओ तो अपनी ये जो सारे टूल्स होते हैं ये चेक करके ले जाना, ये रॉड
ये सब गाड़ी के साथ ही मिल जाता है। बाकी इसके अंदर मेरे को वायरिंग दिख रही है, मे भी हो सकता है इसके अंदर सिस्टम की वायरिंग करा रखी हो, बेस ट्यूब वगैरह, तो वो शायद कस्टमर ने उतार ली है, उतार लिया है, तो वायरिंग वगैरह है गाड़ी में, आप चाहो तो वो भी लगवा सकते हो। और भैया अगर हम इलेक्ट्रिकल जो इसके अंदर एक्सेसरीज है, टेल लाइट वगैरह लगी हुई है, वाइपर हो गया, जितनी जो इलेक्ट्रिक वाली चीजें हैं, पावर विंडो वगैरह, सब कुछ वर्किंग में लगी ना इसके अंदर, वर्किंग भी नाग भी होगी तो मैं आपको करा के दूंगा, मतलब छोटी मोटी चीज, छोटी मोटी कमियां तो मैं करा के दे दूंगा आप, ज़्यादा भैया करा के दे देंगे छोटी मोटी जो भी चीज़ होगी। बाकी इसका रेट आप लोग कमेंट करके बताओ कि कितना रेट आपके हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि आपने ब्रियो वाली जो वीडियो है काफ़ी उसको प्यार दिया, लेकिन काफ़ी आप में से ही लोग बोलते हैं कि द्वारका मोटर्स के रेट बड़े हाई हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं ये। भैया हाई नहीं, गाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है भैया, गाड़ी कैसी है, सही बात है, हल्के गाड़ियों का काम ही नहीं हमारा, नहीं फिर बाद में कस्टमर परेशान हो, कस्टमर ये नहीं बोलता, ऐसे नहीं कि डील करने के बाद गाड़ी लेके और फिर गाड़ी लेके आ रहा है कि भैया ये प्रॉब्लम आ रही है, हमारा ऐसा काम ही नहीं है, वो फिर सिरदर्दी पालने से अच्छा फिर थोड़े से पैसे ही एक्स्ट्रा, पैसे ही एक्स्ट्रा दे दो, है ना, फिर मार्केट भी खराब होती है, वो फिर क्या होता है कि डीलर की भी जो सिरदर्दी है वो भी अपनी सिरदर्दी हटा देता है और कस्टमर भी फिर खुश रहता है, थोड़े से पैसे देकर ना, थोड़े कम पैसे देकर आप उतना चक्कर लगाते रहो, सस्ती चीज लो बार बार, महंगी चीज लो एक बार, वही तो सही बात है, जितना जितना गुड़ डालोगे उतनी मीठी खीर पकेगी आपकी, तो मतलब सब कुछ वर्किंग मिलेगा, अगर कुछ नहीं होता तो भैया ये करा के दे देंगे। तो ये तो था एक छोटा सा वॉक अराउंड इस गाड़ी का, बाकी अब इस गाड़ी को थोड़ा सा ड्राइव करके देखते हैं कि कैसी है ये चलने में, बाकी सर्विस कब हुई होगी इसकी लास्ट, कोई आइडिया भैया? आइडिया कुछ नहीं, कस्टमर से पूछना पड़ेगा, कस्टमर से पूछना पड़ेगा। तो भैया डील का बताओ कि अभी आप प्राइस तो मैं डिस्क्लोज करो, बट अगर जैसे डील वगैरह होती है जो भी प्राइस हो उसका, तो कस्टमर के साथ बैठकर होगी या फिर आप करोगे डील? जैसे आप बोलोगे वैसे हो जाएगा, तो कस्टमर अगर फ्री होगा तो कस्टमर को भी बुला लेंगे, अच्छा, नहीं तो फोन पे बात करवा देंगे। तो आपका क्या इसमें डील रहता है, मतलब कमीशन वगैरह कितना रहता है? हमारी 2 लाख से, जो 2 लाख तक जो भी गाड़ी बिकती है उसमें 5,000 लेते हैं, 2 लाख से ऊपर 3% स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, मतलब 2 लाख के अंदर अंदर सारे 5,000 फिक्स है, ठीक है, और उसके बाद 2 लाख से ऊपर जितने की भी डील हो रही है वो 3% स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो भैया अगर मतलब मान लो कोई बंदे के पास पूरा कैश नहीं है, लोन वगैरह कराना चाहते, तो वो फैसिलिटी है आप दे दोगे? हाँ, लोन फैसिलिटी है, सबको मिल जाएगी वो लोन फैसिलिटी? हाँ, सबको मिल जाएगी, वो मेन डिपेंड करता सिविल में ना कोई बंदा ना, प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, पेपर अच्छे होने चाहिए, बाकी आप करा दोगे, बाकी हम करवा, क्योंकि भैया का फाइनेंस का खुद का भी काम है, अगर थोड़ा सा शोर हो रहा हो तो उसके लिए सॉरी, हाँ पर थोड़ा सा ऐसा ही एरिया, कोई बात नहीं है, पिछली वीडियो में भी ऐसा हो गया था, तो मतलब भैया का फाइनेंस में का भी काम है, तो कोई हमारा भाई अगर पूरी पेमेंट देके नहीं लेके जा सकता तो डाउन पेमेंट कर सकता, तो भैया डाउन पेमेंट इस गाड़ी की लगभग कितने की हो जाएगी? डाउन पेमेंट आपको मैंने पहले भी बताया था, सेकेंड हैंड कार पे 70,000 से लेके 1 लाख तक का डाउन पेमेंट होनी चाहिए। अच्छा जी, 1 लाख रुपये मैक्सिमम है? मैक्सिमम 1 लाख रुपये, मिनिमम 70,000। और कौन से ईयर के बाद से लोन स्टार्ट हो जाता है? 2012, मतलब 12 के ऊपर जो जो गाड़ियाँ होंगी सब पे लोन आपको मिल जाएगा जी। अच्छा, तो अभी इसका रेट भी डिस्कस करेंगे, पहले हम गाड़ी के अंदर चलते हैं और गाड़ी को चलाकर देखते हैं कि चलने में कैसी है, उसके बाद हम गाड़ी में ही इसका रेट भी डिस्क्लोज करेंगे। तो मैं ज़रा सा आपको अंदर का भी मतलब वॉक अराउंड काइंड ऑफ दे देता हूँ, ऐसी कुछ आपको चाबी मिलती है तो भैया दोनों चाबियाँ मिलेंगी इस गाड़ी की? दोनों चाबी होगी तो दोनों चाबी मिलेगी, दोनों चाबियाँ, मतलब अगर वो कस्टमर के पास दूसरी चाबी होगी तो दूसरी दोनों चाबी मिलेगी, ठीक है। और इंश्योरेंस इसका कब तक का है? इंश्योरेंस है कुछ वैलिड? इसका खत्म हो चुका भैया, तो इंश्योरेंस आप करा के दोगे? नहीं, कस्टमर कराएगा, वो तो हम कस्टमर करा के देगा। तो जो चीज है सर आप लोगों के सामने ही है, इंश्योरेंस इस गाड़ी का नहीं है और चाबी जैसा भी होगा, अगर 2 चाबी होंगी तो 2 चाबियां मिल जाएंगी, बाकी सर्विस रिकॉर्ड का तो भैया ने बता ही दिया, सर्विस रिकॉर्ड इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा। और ये कुछ ऐसा इसका मीटर दिखता है, ये सिस्टम वगैरह लगा हुआ है, एसी इसके अंदर आपको डिजिटल मिल जाता है, अंदर इसमें सीट कवर लगे हुए हैं रेड और ब्लैक कलर के, तो इसमें भी पैसा भैया एक्स्ट्रा तो लगा ही होगा कस्टमर का, एसेसरीज में तो लगता ही है पैसा, तो ये तो साथ में आपको ये फ्री में ही मिल रहा है, समझ लो आपको एक तरीके से फ्री भी है। तो ऐसा कुछ इंटीरियर है, और इधर आपको चारों पावर विंडो मिल जाता है और ये चाइल्ड लॉक वगैरह मिल जाता है, अंदर से बेज और ब्लैक कलर का इंटीरियर है और काफी नीट एंड क्लीन लग रही है भैया कार। ये गाड़ी किसकी, मतलब क्या प्रोफेशन रहा होगा भैया? जो जिस कस्टमर की गाड़ी है वो आईटी में काम करते हैं। अच्छा, आईटी डिपार्टमेंट में? आईटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो आईटी डिपार्टमेंट भी काफी अच्छा डिपार्टमेंट है, इस वजह से ही काफी क्लीन गाड़ी आप लग रही है, आप देख सकते हो। बाकी अब इसको थोड़ा सा चला के देखते हैं चलने में कैसी है ये। तो वक्त आ गया है, इस गाड़ी को चला कर देखते हैं, पहले सीट बेल्ट लगा ले, और ऐसा कुछ डिजिटल इसके अंदर आपको डिस्प्ले मिल जाता है एसी का, अगर आप एसी वगैरह चलाना चाहते हो तो फिलहाल। ये देखो आपको फैन को कम ज़्यादा करना है, ऑन या ऑफ करना है, और कहाँ पे आप एसी चाहते हो
ये सारी चीजें भैया एसी पे सीएनजी, मतलब सीएनजी जब सीएनजी में जब गाड़ी चल रही हो तो उस टाइम एसी में दबती पे आप चला रहे हो गाड़ी और एसी चलाओगे तो थोड़ा लोड लेती है गाड़ी, थोड़ा लोड लेती है गाड़ी। सभी गाड़ियों के साथ सभी गाड़ियों के साथ है ये, अच्छा। ये नहीं अमेज के साथ है, सभी गाड़ियों के साथ है। क्लच इसका थोड़ा सा आपको टाइट लगेगा, मतलब पेट्रोल गाड़ी के मुकाबले इसका क्लच थोड़ा सा टाइट है, बाकी उठने में कोई दिक्कत नहीं, बहुत स्मूथली उठ रही है। अभी अभी पेट्रोल में चल रही है, सीएनजी में चल रही है? अभी पेट्रोल पे चल रही है। अच्छा, इसलिए लग रहा है। तो सीएनजी की अभी इसमें थोड़ी सी मतलब इसकी वो बिठानी है ना, ट्यूनिंग करवानी है इसकी। कुछ नहीं करवाना। तो सीएनजी में क्यों नहीं चला रहे अभी? सीएनजी पे इसलिए नहीं चला रहे, थोड़ी पेट्रोल पे चलानी है अभी। अच्छा, थोड़ी पेट्रोल पे चलानी है। बाकी मतलब सीएनजी का कोई इशू नहीं है? सीएनजी का कोई इशू नहीं है, चल से चलाओ, चल सकती है। क्योंकि सीएनजी गाड़ी जो भी होती है ना उसको थोड़ा बहुत पेट्रोल पे भी चलाना होता है। अच्छा। ये नहीं कि सीधा सीएनजी पे चला लो। हाँ, सीएनजी और पेट्रोल दोनों मिक्स करके चलाएंगे तो इंजन थोड़ा चलेगा ना, लॉन्ग लाइफ रहेगा। सिर्फ सीएनजी सीएनजी में खींचोगे, क्योंकि सीएनजी है क्या है तो गैस ही। स्टार्टिंग में तो कस्टमर सबको ये बोलूंगा सीएनजी जैसे भी जो भी गाड़ी चलाता है ना, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत पेट्रोल पे चलानी चाहिए गाड़ी। अच्छा, काफी स्मूथ सेटिंग है इसका, मतलब बहुत जल्द बहुत रिस्पॉन्स कर रहा है। अच्छा, मतलब वही है ना कि बनाया तो कंपनी ने, ये पेट्रोल है वो तो हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको सीएनजी वो तो डिपेंड करता है भैया कितना कस्टमर कितना चल रहा है, ज्यादा रनिंग है तो वो तो सीएनजी सीएनजी पे प्रेफर ही करेगा। मेरे हिसाब से अगर किसी की भी कस्टमर की 1000+ रनिंग है ना एक महीने में, 1000 किलोमीटर से ज्यादा है, तो फिर उनको सीएनजी पे ही लाना चाहिए, सीएनजी बेस्ट है। बाकी अगर 15-20 किलोमीटर चल रही है दिन का तब तो पेट्रोल ले लो, फिर तो सही है। बाकी ठीक है, सीएनजी अच्छा है, एनवायरनमेंट को भी क्लीन रखती है, चलने में तो कोई इशू नहीं है। देखो मतलब अलाइनमेंट सब ओके है, मैं आपको हैंडलिंग चेक करा रहा हूँ, इसलिए सब कुछ ओके ही है और सिस्टम वगैरह सारा वर्किंग मिलेगा आपको इसके अंदर। काफी स्मूथ गाड़ी है, चलने में अच्छी गाड़ी है। दादा तो उसको भगवान करते हैं, 60-70 का भी पहुंच गई, कैमरे का थोड़ा सा इशू रहेगा। वैसे भैया मार्केट प्राइस जो है गाड़ियों का, उससे आपके प्राइस में कुछ डिफरेंस है? भैया डिफरेंस लोगों को लगता है कि बहुत डिफरेंस है, जैसे आपने बोला कि द्वारका मोटर के रेट ज्यादा होते हैं। हाँ, ऐसा ऑडियंस बोलती है, कमेंट्स आते हैं काफी ज्यादा। पर ऐसा नहीं है, राइट लेना ना, मैं ऐसे राइट लेता हूं। हां, वही है, मैंने आपको बताया था कि भैया महंगी लो एक बार, सस्ती लो बार बार। मतलब आप ये नहीं कहते कि बाकियों से कम रेट में मैं दूंगा, लेकिन अच्छी गाड़ी दूंगा ये। भैया हमारा ये होता है, पूरी कोशिश होती है कस्टमर को अच्छी गाड़ी दे। अच्छा, कस्टमर ये दूसरे किसी और बंदे को बताए कि कस्टमर वहाँ जाओ गाड़ी लेने। मतलब आप प्रायोरिटी देते हो क्वालिटी को, क्वालिटी पे हम ज्यादा फोकस करते हैं। अच्छा, आप प्राइस में इतना, मतलब प्राइस भी नेगोशिएबल होता है अमन भैया, पर ज्यादा नेगोशिएबल नहीं होता। ये नहीं कि नेगोशिएबल नहीं होता, नेगोशिएबल भी करते हैं, पर इतनी नेगोशिएबल वाला काम ही नहीं करते हम, पर क्योंकि हमको पता है क्वालिटी हमारी कैसी है। ये नई कितने की रही होगी? बेस मॉडल की नहीं रहा होगा, कम से कम लगभग 6-7 के बीच में। 6-7 के बीच में जी, 3 साल पुरानी, 6-7 के बीच में। तो भैया मैं गेस करूं थोड़ा सा रेट इसका। हां हां, सीएनजी लगी है ना, फर्स्ट ओनर, फर्स्ट ओनर 20,000 का रहेगा। वो 3 साल चला दी और इंश्योरेंस नहीं है भैया, वही 5-5.5 कितने की मेरे हिसाब से रहनी चाहिए गाड़ी। अब आप बताना कि कितने की आप लोगे भैया। मैं इसकी डिमांड क्लोज हूँ क्या मैं, मतलब प्राइस के क्लोज आसपास आया है कुछ? नहीं, आसपास ही हो, मेरी ज़्यादा भी पास नहीं हो। अच्छा, वो आसपास, ज़्यादा पास नहीं हो। तो कितने तक की दोगे आप बताइए तो मैं आपको बता दूँ। आप भैया इसकी डिमांड कर रहा हूँ मैं 4,35,000। 4,35,000 ये डिमांड है आपकी? ये डिमांड है कस्टमर से। और हमारे व्यूअर्स से आप कितने डिमांड कर रही है भैया? व्यूअर्स को क्या बताऊँ, आप कुछ गाड़ी पहले पसंद करें, नेगोशिएबल कर लेंगे बैठ के। वो तो पहले गाड़ी चलाएं, कुदाएं, ब्रेकर कुदाएं, सस्पेंशन चेक करें, शॉकर चेक करें, फिर बैठ के बात करी जाती है वो। अच्छा, 4 तक में बात बनेगी या नहीं? कोशिश कर लेंगे अमन भैया आपके रिगार्डिंग के लिए, हम आपके जो भी कोई कस्टमर आएगा आपकी तरफ से उसके डिस्काउंट भी अच्छा कर देंगे।
सही है भैया मेरे हिसाब से तो, नई गाड़ी लेना आज के टाइम पे, नई गाड़ी लेने से अच्छा है पुरानी लो भैया। पुरानी गाड़ी अच्छी मिल रही है तो छोड़नी भी नहीं चाहिए। 7 लाख रुपए बंदा देकर नई लेकर आए और 4 लाख में अगर उसको वही 7 लाख वैल्यू वाली गाड़ी मिल रही है, 3 साल पुरानी है, कोई ज्यादा पुरानी तो नहीं, गाड़ियां तो बहुत लंबी चलती है, तो 4 लाख रुपए तो कोई मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं भैया, गाड़ी की बात होती है, गाड़ी कैसी है, गाड़ी कैसी है, सही बात है। तो आप डिमांड कर रहे हो 4.35 ऑन टेबल नेगोशिएट करोगे? बिल्कुल करेंगे। है ना, मतलब कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इतना ही लेने हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं, नेगोशिएबल है, मैंने बोला ना नेगोशिएबल। बाकी कई लोग होते हैं जैसा अभी आपके हमारे सामने ही कॉल भी एक आया था कि मतलब ज़्यादा 1-1 लाख रुपये डिप्रिशिएट कर देते हैं गाड़ी को, तो फिर वो नहीं कर पाओगे ना। 1-1 लाख रुपये वाला नेगोशिएबल भैया, कि गाड़ी है कोई, वो थोड़ा है कि प्रॉपर्टी है 1 लाख रुपये टूट जाए। हाँ हाँ हाँ, तो भाई 435 भैया डिमांड कर रहे हैं, आप देख लेना आपकी कितनी मतलब आप कितना इसको तोड़ सकते हो। ऑन टेबल पे के सारी बातें होंगी, फोन पर तो बात हो नहीं पाती। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऑन टेबल आके नेगोशिएट कर लेना इतना कर सकते हो, हमारा रेफरेंस दे देना भैया आपका पूरा रिगार्ड करेंगे। तो होंडा अमेज थी है बेस मॉडल CNG वाली, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और रेट कैसे आप जो भी रेट चाहते हो वो कमेंट करके बता देना। भैया का नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप चेक कर लेना, और इस वीडियो को अगर कोई अमेज सर्च कर रहा हो तो उसके साथ शेयर कर देना, और नए चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।